नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में एक्टिव हुए प्रशांत किशोर के बारे में। बिहार में इन दिनों जिस तरह से सियासी रूप में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद से यही कहा जा रहा है कि प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। बता दें कि बिहार की सियासत में एक नए चेहरे की एंट्री हो गई है। इन दिनों बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव जहां ए टू जेड का फार्मूला बनाए हुए हैं, तो वहीं अब प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए हैं। इससे पहले वे अपनी कंपनी के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों के सलाहकार के रूप में काम करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने मन बना लिया है कि अपनी मातृभूमि यानी कि बिहार से वे अपनी सियासत की शुरुआत करेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, टीएमसी के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों के राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीति के द्वारा सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया है। अब उन्होंने यह ठान लिया है कि बिहार की सियासत में एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे। अब किसी के लिए वो किसी तरह की कोई भी रणनीति नहीं बनाएंगे, वह बिहार के लिए अब सियासत करेंगे। पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि लोकतंत्र में प्रभावशाली योगदान देने की उनकी भूख और लोगों के प्रति कार्य नीति तैयार करने में मदद करने का सफर काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि अब मुद्दों को लेकर जन सुराज के मार्ग को बेहतर तरीके से समझने के लिए रियल मास्टर यानी कि जनता के पास जाने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी लिखा था कि उनकी शुरुआत बिहार से होगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह तय नहीं किया कि वे अपनी पार्टी में किस पद पर रहेंगे। ऐसे में अब लोगों की नज़र प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है कि वे क्या करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने ट्वीट करने के बाद से बिहार में अपनी गतिविधि को बढ़ा दिया है। वे छात्र नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि राजद ने प्रशांत किशोर को लेकर बयान दिया है। पहले वे अमित शाह और नीतीश कुमार को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। अब जब बात प्रशांत किशोर को लेकर हो रही है, तो इसमें यह सोचने समझने की ज़रूरत है कि आखिर बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की एंट्री किस रूप में होगी। ऐसे में इस सवाल के जवाब के कई तरह के जवाब सामने आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात है जो कि काफ़ी ज़ोर से लिया जा रहा है, और वो है कि अरविंद केजरीवाल का कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरह एक्टिव हो सकते हैं। हालांकि अगर हम केजरीवाल के उस समय की राजनीतिक स्थिति को देखें, तो पूरा देश कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट से परेशान था, और अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन की शुरुआत हुई, और यहां से अरविंद केजरीवाल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और पिछले दो बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। अन्ना के आंदोलन के समय वह एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में आम आदमी के बीच में जाते थे, और उनकी जो है एक पकड़ जो है आम आदमी के बीच में धीरे धीरे बननी शुरू हो गई। लोग अरविंद केजरीवाल की बातों पर विश्वास करने लगे। उन्होंने आईआरएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाया। लेकिन बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर ऐसा क्या करेंगे कि वे आम लोगों के बीच में ग्राह हो सकें, यानी कि लोगों के बीच में वो जा सकें, लोग उन्हें अपना लोकप्रिय नेता माने। इन सब चीज़ों को लेकर जो है प्रशांत किशोर के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, लोग उन्हें पसंद कर सकें। अगर हम पिछले 20 से 25 साल के राजनीतिक सफ़र को अगर हम देखें, तो इसमें जयप्रकाश नारायण के साथ छात्र आंदोलन के नेता रहे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, स्वर्गीय रामविलास पासवान, अब उनके बेटे चिराग पासवान इन दिनों बिहार की सियासत में एक्टिव हैं। बिहार में इन दिनों लालू, नीतीश और मोदी का जलवा है, यानी कि आम लोगों के बीच में ये नेता काफ़ी पॉपुलर हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इन सभी नेताओं के बीच में प्रशांत किशोर अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के पास एक अच्छी चीज़ है कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों का उन्होंने रणनीति बनाई है। उनके लिए उन्हें जो है सीटें दी है, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वे पहुँचाए हैं। प्रशांत किशोर के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि बिहार में जातियों में बटे राजनीति को कैसे वो पाट पाएंगे, कैसे वो दूर करेंगे, या फिर इन सब के अलावा वो एक अलग कार्ड खेलेंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण को साध कर बिहार की सत्ता पर वो काबिज हुए थे, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव A to Z समीकरण के साथ वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार इन दिनों अगर हम नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लें, तो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी हिंदुत्व के साथ अगड़ों की राजनीति करती है। इन सभी राजनीतिक पार्टियों का बिहार की जातियों पर एक तरह से कहें कि वर्चस्व है। इन सभी राजनीतिक स्थितियों के बीच में प्रशांत किशोर को कुछ नया तकनीक यानी कि
नया तरीका इस्तेमाल करना होगा ताकि वो पहले से स्थापित बिहार में जो पहले से राजनीतिक पार्टियां स्थापित है उनकी राजनीतिक पार्टियों से वो अलग कर सकें ताकि आम लोगों के बीच में एक मान्य चेहरा बन सके। हालांकि देखना होगा कि प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति करते हैं। अभी तक उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी को लेकर खुद की स्थिति को जो है स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो क्या करेंगे अपनी पार्टी में। ऐसे में अब देखना है कि बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां स्थापित है उसमें प्रशांत किशोर किस तरह की सेंधमारी करते हैं या फिर उससे इतर होकर वो नया क्या देते हैं कि लोगों के बीच में वो एक बार फिर से पॉपुलर हो सके। जिस तरह से वो एक राजनीतिकार के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं उसी तरह से बिहार की सियासत में वो क्या कुछ नया करेंगे जिससे कि लोगों के बीच में वो एक पॉपुलर चेहरा बन सके। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।